हेलो एवरीवन, मेरे चैनल ग्रीन लाइब्रेरी में आपका मोस्ट वेलकम। मैं आज टोर्निया प्लांट पर छोटी सी वीडियो आपको शेयर करूंगी और लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहें। आइए, आज मैं आपके लिए फ्लावर प्लांट लाई हूं और वो भी पानी के अंदर ग्रो किया हुआ। और ये देखिए, पानी में मैंने ग्रो किया था और ये कम से कम 3 महीने का हो गया है, लेकिन अभी भी वैसा का वैसा ही है। कोई ख़राब नहीं हुआ, ना इसका रूट्स ख़राब हुआ, ना लीफ और ना इसके ये ब्रांचेज, सब कुछ ठीक ठाक है इसका। ये देखिए, और हम तो ये समझते हैं कि ये सॉइल में ही ग्रो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पानी में भी ग्रो हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इससे मैं, ये शाम का टाइम है इसलिए थोड़ा साइज छोटा हो गया, लेकिन फूल फिर भी खिले हुए हैं। और ये बैंगनी पर्पल कलर का फ्लावर है और ये 2-3 कलर का होता है, पिंक भी आता है, पर्पल, ब्लू, ये 2-3 कलर आते। अब मैं आपको इसको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे ग्रो किया है। हमने कुछ ब्रांचेज लेनी है अपना, हमारे पास जो मदर प्लांट होगा टोर्निया का, उससे हमने कुछ ये हमने टोर्निया प्लांट से ले लिया, कुछ इस तरह इतनी जो उसमें टॉप ऊपर से ही हमने लेनी है। और ये देखो, इसमें फूल भी है, फूल भी इसमें रहने दो, कोई बात नहीं, ये ख़राब नहीं होते और अच्छे चलते हैं। और ये हमने, मैंने 4-5 कुछ ब्रांचेज ले लिए। ये इस तरह मैंने इसकी जो है नीचे से जो होता है, ये पत्तियाँ होती हैं इसमें, ये मैंने निकाल दी हैं पहली, ताकि वीडियो बड़ी ना हो। और कुछ थोड़ा सा हल्ला हो रहा है और उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरह ये हमने इसकी पत्तियाँ नीचे से निकाल देनी है। उसकी मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। ये देखिए, नीचे वाली पत्ती हमें जितना भी हमें लगाना है, डिप करना है, उसी हिसाब से हमने इसको पत्तियों को निकाल देना है। और हम इसमें कांच का ग्लास, जार, कुछ भी हो कांच का ही लेना है। और ये छोटी सी, इसमें जैसे छोटा ग्लास है उसमें भी चल जाएगा, छोटी बोतल होगी आपके कांच की उसमें भी चल जाएगा। और ये मैंने ग्लास लिया है। मैं आपको, अगर जैसे ये फैली हो रही है ब्रांचेज, इसमें हम इलास्टिक रबड़ लगा सकते हैं, और अगर रबड़ लगा देंगे तो ये फैली नहीं दिखेंगी और ये सिमट जाएगी। और छोटा है, अगर ये बर्तन छोटा है ऊपर से पॉट हमारा, तो इसमें कोई रबड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस बड़ा है इस तरह का, इतना बड़ा, तो हमें इसमें इलास्टिक लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये मुझे तो वाटर में चलाना इतना अच्छा लगा, इसमें कोई भी इतना केयर नहीं है इसकी, और ना इसको कोई फर्टिलाइज़र देना है और ना इसमें कोई फंगीसाइड डालना है, कुछ भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है खाद पानी, बस इसमें सिर्फ पानी चाहिए और कुछ नहीं। और हमें इसका बस थोड़े से केयर टिप्स है और कुछ नहीं है। इसे शेडी एरिया में रखना है, अंदर भी रख सकते हैं, अगर लाइट अंदर है तो रख सकते हैं, कहीं भी टेबल पे, कहीं भी हम कॉर्नर कहीं भी रख सकते हैं। और ये एक ही मुझे ये भी अच्छा लगा, ये कांच का, चाहे कितना भी छोटा हो हम इसे उसमें भी रख सकते हैं, और छोटा ग्लास है इसमें भी रख सकते हैं, छोटी बोतल है उसमें भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा मैंने इसमें रख दिया है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए, इसमें हमेशा, ये जो मैंने बनाया था 3 महीने पहले, इसमें हमेशा इसमें फ्लावरिंग चलती रहती है। और ये देखिए, अभी भी ये इतना अच्छा ब्लूम है, कभी कभी तो इसमें 8-8, 10-10, 15-15 फूल आते हैं, बड़ा अच्छा ब्लूम करता है और इतना सुंदर लगता है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया, हम सोयल में ही नहीं, इसको हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर हमारे पास कम टाइम है या स्पेस कम है, तो हम इसको इजीली पानी में ग्रो कर सकते हैं। बस इसकी केयर टिप्स यही, ये इसको भी जैसे मनी प्लांट को सप्ते में 2 बार पानी चेंज करना पड़ता है, इसको भी ऐसे ही, इसका भी पानी 2 बार चेंज करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो इसकी ये जो ब्रांचेज है ये सारी पीली पड़ जाएंगी, इसलिए हमें करना पड़ता है।
और ये भी है कि मच्छर भी का लार्वा भी उसमें हो जाता है। अगर हम इसको सप्ते में दो बार पानी इसका चेंज करेंगे तो मच्छर भी इसमें पैदा नहीं होगा।